Good morning students, this is your plus two physics class और इसमें हम लोग magnetic force के बारे में study कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था इसमें कि यदि magnetic field है कोई, magnetic field कोई given है और इसमें कोई charge particle मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल है, यहां पर तो 90 हो जाएगा यदि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है v और q चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है थीटा एंगल पर, तो क्या होता है जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या मैग्नीट्यूड वाइज F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और ऑफ कोर्स ये थीटा एंगल है यहां पर V और B के बीच में, थीटा क्या है यहां पर एंगल बिटवीन V एंड B। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ये रिजल्ट आपका आया है ना, तो इसका प्रूफ नहीं है, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल, दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ओके, तो इसमें F इक्वल टू क्यू, काम में तो फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला आप याद करिए F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्यू वी क्रॉस बी से। तो इसमें हमेशा क्रॉस डायरेक्शन के लिए हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए इसमें, तो यही पढ़ रहे थे हम लोग। मान लो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दी गई अंदर की ओर और कोई चार्ज प्लस क्यू मूव कर रहा है इधर की ओर बी, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वी क्रॉस बी से। तो बी इसमें कहां पर है, अंदर की ओर, और वी क्या है, ऐसे है ना, तो V क्रॉस B फोर्स कैसे लगेगा इस पर, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर की ओर, ठीक है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है बाहर की ओर और चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, कोई माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये वेलोसिटी दी गई है इधर की ओर, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, v क्रॉस b से। तो b कहां है इसमें, आउटवर्ड, और v कैसे है आपका, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और वेलोसिटी जा रही है ऐसे, तो v क्रॉस b कैसे आएगा आपका, v क्रॉस b कैसे आएगा इधर की ओर, v क्रॉस b। तो वैसे तो V क्रॉस B से फोर्स कैसे आ रहा है, राइट साइड में, लेकिन चूंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज होने की भाई V क्रॉस B किधर आएगा आपका, ऐसे इधर की ओर, लेकिन ये अपना क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन लेंगे जस्ट इसके अपोजिट, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका इधर की ओर। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में जो Q है इसको लेना है साइन के साथ, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है कि जो चार्ज है इस फॉर्मूले में Q इज टेकन विथ साइन, तो जब आप साइन के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा,
इस पर्टिकुलर केस में तो एफ इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस वी, तो वी क्रॉस वी की डायरेक्शन तो यहां रही है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस माइनस की वजह से कैसे हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो नेगेटिव नेगेटिव वाले केस में ये आपको याद रखना है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, वी क्रॉस बी, और चार्ज यदि नेगेटिव है तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, वी क्रॉस बी के अपोजिट। जैसे इस तरह के सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है आपका, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है अलोंग एक्स एक्सिस, और मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आपका इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, तो पूछा है सीबीएसई ने कि इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये V हो गया आपका, V V कैसे हो गया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी गई ऐसे, फोर्स क्या होता है आपका V क्रॉस B, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एकदम मैग्नेटिक फोर्स के याद कर लेना आप लोगों को, F इक्वल टू Q V क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड वाइज F इक्वल टू होता है Q V B साइन थीटा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, वी क्रॉस बी के अलोंग, तो यहां पर ये तो वी हो गया और ये बी हो गया ऐसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वी क्रॉस बी कैसे आएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस वी क्रॉस बी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, माइनस, तो भले ही आपका V क्रॉस B ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, V क्रॉस B के अपोजिट, यानी जो फोर्स लगेगा इस सर्टेन एग्जांपल में, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस, समझे। तो इस तरह से ये डायरेक्शन कई बार पूछता है सीबीएसई आपका, तो पॉजिटिव चार्ज या तो आप ऐसे याद कर लो कि फॉर्मूले में इस जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो क्यू को लेना है साइन के साथ, और जब मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो केवल इसमें क्यू को लेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ पर साइन हम लोग नहीं लेंगे, वेक्टर में लिख रहे हो तो क्यू को कैसे लेना है, विथ साइन है ना, और जब इसका फोर्स का निकालोगे मैग्नीट्यूड तो क्यू का क्या लेना है, साइन नहीं लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, यहां पर माइनस हम स्किप कर देंगे जब हम निकालेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड। हाँ, डायरेक्शन देख रहे हो, वेक्टर लिख रहे हो तो क्यू को कैसे लेना है, विथ साइन, क्लियर। अब इसमें कई चीजें आती हैं हम लोगों की, पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है रेस्ट पर,
चार्ज यदि रेस्ट पर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? इस केस में वी हो जाएगा जीरो, रेस्ट में है इट मीन्स वेलोसिटी जीरो, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा जीरो है, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और भले ही वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नो मैग्नेटिक फोर्स, समझे? क्योंकि यदि कोई चार्ज रेस्ट पर है तो केवल ये क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चूंकि रेस्ट पर चार्ज है, तो इसका मतलब ये क्या जनरेट करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये मूव करता है, जब चार्ज आपका मूव करता है, तो ये दोनों तरह की फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज, यदि चार्ज आपका मूविंग है, केवल उस केस में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। यदि रेस्ट पर है तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस पर? जीरो, नो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना? अब दूसरी बात, यदि चार्ज मूव कर रहा है, यदि आपका चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और या फिर एंटी पैरेलल, यदि चार्ज मूव कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इफ बी इज पैरेलल टू बी और बी इज एंटी पैरेलल टू बी, तो पैरेलल के केस में थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहां पर थीटा हो जाएगा 180। और आपको पता है कि साइन जीरो भी जीरो होता है एंड साइन 180 भी जीरो होता है, तो दोनों ही केस में जो फोर्स है क्यू वी वी साइन जीरो, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी क्यू वी वी साइन 180 ये भी हो जाएगा जीरो। तो चार्ज यदि मूव कर रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो इस केस में भले ही चार्ज आपका मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में भी ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं लगेगा, ठीक है ना? यानी और जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो व्हाट अबाउट द पाथ ऑफ क्यू? यदि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसके पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट। इसमें भी रहेगा स्ट्रेट और इसमें भी रहेगा स्ट्रेट। क्वेश्चन पूछते हैं इस रहेगा, सपोज ऐसे पूछेंगे, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट अबाउट पाथ ऑफ क्यू? तो पाथ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है? जीरो। इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, समझे? पाथ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन।
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के पढ़ रहे थे, इफ वी इज परपेंडिकुलर टू बी, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड दी गई ऐसे आपको, और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी से, प्लस क्यू चार्ज मान लो, तो F इक्वल टू क्या होता है, इस पर फोर्स कैसे लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, और V और V के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। V कैसा है, परपेंडिकुलर टू V, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स है ये V के भी परपेंडिकुलर होगा एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू V। तो फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू V है। यदि यदि आपका किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और V यहां पर क्या है, कांस्टेंट, V इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया इस बारे में। तो चूंकि यहां पर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू V, इसका मतलब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, इट मींस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वी वन इक्वल टू वी टू, इसलिए हमने बोला वी कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो इससे क्या क्लियर होता है, यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड केवल डायरेक्शन चेंज करती है चार्ज की, उसकी स्पीड कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये केवल चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर सकती है, इसकी स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वो पूरे पाथ में कैसी रहेगी, 10 ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेस इट्स पाथ, इट विल नेवर चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्लियर। और फोर्स यदि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, और कैसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये प्रॉपर्टीज की होती है, सर्कुलर पाथ की होती है, ऐसा केवल किस में होता है, सर्कुलर में होता है, सर्कुलर आप पढ़ चुके हो प्लस वन में, ये किसकी कंडीशन है, ये सर्कुलर मोशन की कंडीशन होती है। सर्कुलर, यदि आपका फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है और वेलोसिटी कैसी है आपकी, कांस्टेंट, तो इसका मतलब उस पार्टिकल का पाथ कैसे होता है, सर्कुलर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,
यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर, समझे। जहां तक सर्किल का, इसमें देखिए कई चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है देन पाथ ऑफ क्यू विल बी सर्कुलर, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ओनली डेविएट्स द क्यू, इट डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ क्यू। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्यू की डायरेक्शन केवल चेंज कर रहा है, किसी भी समय इसकी स्पीड पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरा, यदि हमें इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो इसके लिए आप देखो कि फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है, तो ये वेलोसिटी आपकी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो V क्रॉस B फोर्स कैसे लगेगा ऊपर की ओर, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है इसी लाइन में कहीं ना कहीं सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है ना। सेंटर कहां मिलेगा, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन of magnetic force। जब भी आपको सेंटर ढूंढना है तो आपको क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है और उसी में कहीं ना कहीं आपका सेंटर, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर आपको मिलेगा। अब इसमें कई चीज और है, देखिए इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस भी हम लोग निकाली थी कल हम लोगों ने, अब इसमें देखिए चूंकि आपका परपेंडिकुलर है, V इज परपेंडिकुलर टू B, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, यानी फोर्स हो गया मैग्नीट्यूड वाइज QVB साइन 90, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा QVB। जब तक आपका V इज परपेंडिकुलर टू B है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखेंगे डायरेक्ट QVB, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका लग रहा है ऊपर की ओर, और इसका मान लो चार्ज पार्टिकल Q है और इसका मास M है, तो ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स को। सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कितना होता है mv² / r। अब पूरा केवल फोर्स की वैल्यू बदल रही है, बाकी पूरा प्लस वन वाला ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है, तो इसका मतलब यहां पर
जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपेटल फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू रखो यहाँ पर क्यू वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक बी से एक बी कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू वी। ये हो जाएगी आपकी आर, क्या है यहां पर रेडियस ऑफ सर्कुलर। तो सेंटर यदि परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज, तो पाथ हो जाएगा कैसा, सर्कुलर। सर्किल का सेंटर कैसे पता करेंगे, सर्किल का सेंटर हमेशा होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। और कितनी दूरी पर होगा, रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। और इस सर्कुलर मोशन का यदि निकालेंगे हम लोग टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इसकी 2 पाई आर, और स्पीड कितनी है वी। और आर की वैल्यू रख दो यहां पर एम वी अपॉन क्यू बी, इसमें तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई वी एम वी अपॉन क्यू बी, वी कट गया, टाइम पीरियड आ जाएगा इसका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ऐसे निकाल लेंगे टाइम पीरियड। यदि फ्रीक्वेंसी निकालनी है हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी यू बी अपॉन टू पाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी निकालोगे तो कितना आ जाएगा क्यू बी बाई एम। ये पूरा ये सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसमें है कुछ नहीं, वही आपके फॉर्मूले हैं सारा, इसमें मैग्नेटिक वाला कुछ नहीं है, सारे के सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सर्कुलर मोशन वाले पार्ट से, ठीक है ना। इसमें इसमें जो टाइम पीरियड है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कि टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी, तो इसका यूज बाद में होगा आपका, लेकिन है ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मान लो एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मास एम कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू है और मास एम है, ये ओरिजिन से रिलीज किया गया और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है
इज इक्वल टू थ्री आई कैप और वेलोसिटी दी गई है फाइव जे कैप, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप और चार्ज पार्टिकल जिसको ओरिजिन से छोड़ा गया है वो आपका उसकी वेलोसिटी दी गई है अलोंग वाई एक्सिस और पार्टिकल को पार्टिकल इज रिलीज्ड एट ओरिजिन और हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद हमें बताने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दी गई है आपकी इधर की ओर ऐसे दी गई है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी कैसे दी गई है फाइव जे कैप और पेंडिकुलर टू यहाँ पर देखिए गौर से देखिए वी इज परपेंडिकुलर टू बी वी वेलोसिटी कैसी है परपेंडिकुलर टू बी इसका मतलब पाथ कैसा होगा सर्कुलर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे होगा सर्कुलर पाथ होगा और अभी हमने आपको बताया कि सर्कुलर पाथ है यदि तो सेंटर कहां पर होगा जहां पर फोर्स की डायरेक्शन है सर्कुलर पाथ में जो सेंटर होता है उसकी डायरेक्शन कहां होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो वी क्रॉस बी V क्रॉस B देखो फोर्स कहाँ लगेगा अंदर की ओर यानी सेंटर भी कहाँ होगा अंदर की ओर। इसको समझने के लिए आप ऐसे बना लो ये X एक्सिस है ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है तो इसको पूरे सिस्टम को ऐसे घुमाइए समझ रहे हो ना ये एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा आपका और एक्स को ले जा रहे हैं अंदर ऐसे यदि एक्स को ले गए अंदर तो जेड कहाँ आ जाएगा जेड आ जाएगा यहाँ पर इससे थोड़ा सा इमेजिनेशन आसान होगी आपकी इसको ऐसे बना लेंगे ये जेड ये वाई और अंदर क्या हो जाएगा एक्स है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी गई थी एक्स एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस कहाँ है अंदर है हमारा तो इसका मतलब अंदर की ओर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर जाएगी अंदर की ओर। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी V क्रॉस B वेलोसिटी कहाँ पर है ऐसे है आपकी इसमें चेंज नहीं किया कोई हम लोगों ने तो V क्रॉस B देखो ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर ऐसे तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा आपका माइनस जेड एक्सिस के अलोंग V क्रॉस B ऐसे मैग्नेट ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इधर की ओर और सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है इसी के अलोंग ये सेंटर हो जाएगा और सर्कुलर पाथ ये कैसे करेगा आपका जब ये सेंटर हो गया तो इसका मतलब पार्टिकल करेगा ऐसे सर्कुलर मोशन ठीक है
और रेडियस कितनी होती है इसकी? रेडियस होती है परपेंडिकुलर केस में एम वी अपॉन क्यू वी। अब हमें क्या निकालना है, टी टाइम के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है इसमें, ऐसे पूछ लेता है कि क्या क्या क्यू कभी भी पॉजिटिव जेड एक्सिस में जाएगा, यस और नो? नहीं जाएगा। क्या क्या पार्टिकल आपका कभी नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा? जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह भी पूछ लेते हैं नो से, तो ये आप ये तभी आंसर कर पाओगे जब आप उसको इमेजिन कर पाओगे, ठीक है ना। फिलहाल मान लो टी टाइम में ये घूम गया आपका इतना, टी टाइम में पार्टिकल पहुंचा मान लो पी पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है ना। और ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, और टी क्या होता है 2π m/UV, यानी ओमेगा इक्वल टू हो गया UV/m, ठीक है ना। तो पार्टिकल यहां पर देखो एक्स एक्सिस में तो जाएगा नहीं कभी, तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हम लोगों को, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट देखो ये आर है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आर कॉस थीटा, और ये वाला हो गया आर साइन थीटा। तो इसके ये कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, आर साइन थीटा। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है, m v/qv, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, दैट इज m v/qv साइन। ओमेगा कितना है, qv/m/t। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस में इतना, ये डिस्टेंस यहां से, ये इसका क्या है, यहां से यहां तक इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव में, माइनस जेड एक्सिस ना ये। तो ये पूरी रेडियस है आर, इससे इसको माइनस कर दोगे आर, और माइनस आर कॉस थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, और यही क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। मान लो आपका ये ओ है और ये ए पॉइंट है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस ओ ए, यानी माइनस आर माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 cos θ इक्वल टू ओमेगा टी, और आर की वैल्यू क्या थी आपकी, m v/qv cos ओमेगा की वैल्यू qv/m। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में, इसी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।